गाइस तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम बाय मेरा इसमें तो बोलने दे मेरा चैनल है ठीक है बाय। तो कंटेंट की कमी की वजह से मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर ही रहा था कि मुझे मेरी ये वीडियो ये साइड में कहीं पे आ रही होगी। फिर मेरे मन में लाला दुनिया का उद्धार करने के लिए एक आइडिया आया, क्यों ना मैं भी रोम रोम एसएमपी ज्वाइन कर लूं। वो अलग बात है, अगर उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो दुनिया का उद्धार नहीं हो पाएगा, पर होप तो ये करेंगे कि मुझे सेलेक्ट कर ले प्लीज। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरा चूहा चिल्ला रहा है, मेरे को उसको बिल्ली खिला रही है, तो जल्दी से तुम लोग वीडियो देखो। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को खबर देना चाहता हूँ, मेरे विलेज में एक खूनी दरिंदा घूम रहा है, वो ये है विलेजर के बच्चे। ए तूने क्या किया बे, इतने सारे चूहे नहीं मेरा मतलब क्या थे, खरगोश मार दिया तूने। भाई साहब आपका बच्चा विलेज में खरगोश मार रहा, आपको पता, बड़ा बेशरम आदमी है तू ही था ना, मेरे को डरा रहा था। तो गाइस मैं कुतुब मीनार पे चढ़ चुका हूँ और अपना सामान वामान भी कलेक्ट कर लिया जिससे हम लोग MLG करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। सो हमारी फर्स्ट MLG है वाटर बकेट ट्रिक, और ये सबसे आसान है, मुझसे नहीं हुई तो मैं महानुभड़ा हूँ, मेरे को नहीं दिया जाएगा SMP में। 1 2 3 गो। चलो भाई ये वाली तो हो गई, नहीं होती तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। ये क्या है भाई, ये क्या है, मुझे लगता है हम लोग को दूसरी MLG करनी चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट MLG है बच्चे के नाक का चिपचिपा स्लाइम, तो चलो ये भी करते हैं। अबे यार लग गया। तो हमारी नेक्स्ट MLG है लेडर क्लच जो भी कहते हैं इसको, तो चलो करते हैं बस इसको इसको। तो हमारी नेक्स्ट MLG है स्कैफोल्डिंग वाली, तो चलो भाई कैसे करते हैं, क्या है ये। मैंने गुलगुलू चाचा से पूछा तो उन्होंने पता कि पॉसिबल ही नहीं है स्कैफोल्डिंग MLG, तो यानी कि पॉकेट एडिशन में या फिर बेड रॉक में नहीं हो सकता, बेड रॉक में हो सकता है पॉकेट में नहीं। तो चलो नेक्स्ट MLG की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट MLG है टोटम MLG, और ये मैंने कर भी दिया नॉइस। नेक्स्ट MLG हमारी नेक्स्ट MLG है बेल, और ये हो जाएगी, हो गई, थैंक यू। तो गाइस हम आ चुके हैं PvP सर्वर में, मेरा मतलब क्यू क्राफ्ट है, PvP नहीं है, पर इसके PvP अरीना में हम लोग PvP करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है इसलिए हम लोग किसी भी रैंडम मंजे से PvP करने वाले हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं दोस्त तुम लोग, ये स्क्रिप्टेड PvP होती है, तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अबे ये क्या आ गया, चलो फिर भी सही है, अपनी आर्चरी दिखा सकता हूँ मैं, अल्ट्रा प्रो आर्चरी। ये शायद एक्सप्लोजन वाला किट है इसका, हाँ वही है, चलो फिर। अभी इसको पता ही नहीं है क्या एक्सप्लोजन, नहीं दिख तो रहा होगा ना इसको, क्या कर रहा है ये, क्या था ये भाई, चलो कोई बात नहीं मेरा ही फायदा। तो गाइस ये तो एकदम नूब आदमी था, इसको खुद ही नहीं पता था क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा एक और PvP राउंड हम लोग कर लेते हैं। ओके तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी PvP की क्लिप थी, ऑब्वियसली मेरा बेस्ट तो नहीं था ये, क्योंकि मैंने रैंडमली किसी से फाइट कर ली मतलब प्रॉपर गेयर के साथ, और वैसे भी वो लेदर का आर्मर था, क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग उससे। तो
मुझे लगता है कि ये अच्छी पीवीपी थी और मेरी एडिटिंग स्किल्स से तुम लोग देख ही सकते हो इस वीडियो में। मैं और इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा इसे। अब बचा बिल्ड्स और रेडस्टोन, तो बिल्ड्स तो मुझे उतने अच्छे आते हैं कि मैं अपना बेस तो बना ही सकता हूँ। इतने अच्छे बिल्ड्स नहीं आते मुझे जो प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं उनके बराबर, लेकिन इतने आते हैं कि मैं अपना बेस तो बना ही सकता हूँ और कोई अच्छा सा स्पॉन। और बात रहे रेडस्टोन की, तो नॉर्मल कंट्रैप्शंस तो आते ही है मुझे, उतने अच्छे से नहीं आते कि मैं कंप्यूटर ही बना दूँ माइनक्राफ्ट में, पर जैसे नॉर्मल कंट्रैप्शंस होते हैं ट्रैप्स के लिए या फिर सीक्रेट बेसिस के लिए, वो तो मुझे आते ही है। लेकिन मैं इसे ये दिखा नहीं सकता था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और ये एप्लीकेशन वीडियो ही है एक, तो इतना ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते हम एक एप्लीकेशन वीडियो में। लेकिन मेरे पास एक और चीज़ है जो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ, वो है पार्कोर स्किल्स, जो कि बहुत ही घटिया लगता है मेरे को, तो नीवे ओपे डिसाइड करेगा कि ये अच्छा है कि या फिर नहीं। भाई यही थी मेरी पार्कोर, पहली वाली मुझे पता है उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरी वाली पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैं यही बेस्ट होप करूँगा कि नहीं वो पी मुझे अपने एसएमपी में ले प्लीज़, क्योंकि मैं बीजीएमआई में खेलता हूँ और ये मेरी पहली माइनक्राफ्ट वीडियो है। इनफैक्ट मतलब मैं माइनक्राफ्ट तो बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट की ये मेरी पहली वीडियो है जो यूट्यूब पे आने वाली है। सो नहीं वो पी प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वेरीफिकेशन टिक दे देना मेरे को। तब तक के लिए पीस आउट।